Assalamu alaikum viewers, this is Danish Raza. You are watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. In previous lecture, we have studied about the operational amplifier and we have seen about its characteristics. We have seen, we have studied about the input resistance, output resistance and its open loop gain. That was the order of 10 raised to the power 5. Today, we are going to discuss about the inverting amplifier. What is inverting amplifier? This is the most important long question as well from exam point of view. So we will discuss it in details, but few things which are not in your syllabus. हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें पहले डिस्कस करें ताकि आपकी बेस जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने में जो है वो ईजी रहे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी ऑपरेशन एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, लेकिन ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये बातें आपको इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी. देखते हैं सबसे पहले वोल्टेज ट्रांसफर कर्व ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अगर आप याद करें तो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल कुछ ऐसा पढ़ा था और हमने कहा था कि जी यहाँ पे एक नेगेटिव वोल्टेज होता है और एक पॉजिटिव होता है. सपोज करें पॉजिटिव वोल्टेज की वैल्यू 10 है और नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू भी -10 है, ठीक है. तो हमारे पास ये जो 10 वैल्यू है, इसका मतलब है हमारी जो आउटपुट है जो सैचुरेशन वैल्यू जो है वो 10 हो सकती है. अब हमारे पास अगर हम इस कर्व को, इसका ग्राफिकल व्यू देखना चाहें तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे आउटपुट के दरमियान और इनपुट के दरमियान. वी सैचुरेशन का मतलब है पॉजिटिव वोल्टेज जो हमने यहाँ पे अप्लाई की, और वी नेगेटिव सैचुरेशन का मतलब है कि वो वैल्यू जो हमने अप्लाई की हो, 10 वोल्ट अगर मैंने रखी हुई है तो 10 वोल्ट मैक्सिमम ये 10 वोल्ट तक जाएगा, उसके बाद ये मजीद फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता. वी आउटपुट जो है इसी तरह ही नेगेटिव मैक्सिमम तक जाएगा और इसके बाद ये मजीद इंक्रीज नहीं हो सकता. अब अगर आपके पास इस रेंज को देखा जाए तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, लेकिन इसके दरमियान हमारे पास एक सेपरेट लाइन बन रही है. इस लाइन को हम लीनियर रीजन कहते हैं और यही वो रीजन है जिसमें हम अपने इस ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज करेंगे. इस लीनियर रीजन क्यों कहते हैं, सबसे पहले देखें ओपन लूप गेन इन लीनियर रीजन इज वेरी स्मॉल. हमें ओपन लूप गेन जो हमने पढ़ा था ये वाला, ये बहुत हाई है, लेकिन अगर हम लीनियर रीजन की बात करें तो ये लीनियर रीजन में बहुत स्मॉल आता है. लेकिन हम इसको एज एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, एम्पलीफायर यूज करने के लिए हमें इस लीनियर रेंज को बढ़ाना है, इनहेंस करना है. इफ वी वांट टू यूज इट एज एन एम्पलीफायर वी विल यूज इट इन द लीनियर रीजन. हमें इसको लीनियर रीजन में, यानी कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे. सो इनपुट एंड आउटपुट हैव लीनियर रिलेशन. क्यों हम इसको जो है वो लीनियर रीजन में यूज करने जा रहे हैं, ताकि हमारी इनपुट और आउटपुट का जो है वो लीनियर रिलेशन हो. मतलब क्या है कि हम इनपुट दें और हमारे पास एम्पलीफाइड जो है वो आउटपुट मिल गए. जितनी हम इनपुट देंगे उतनी उससे ज्यादा एम्पलीफाइड मीन्स के हमारे पास वो आउटपुट आ जाएगी. अब वो कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये लीनियर रीजन है ये इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाए, लीनियर रीजन जो है वो ज्यादा हो जाए, तो यूज इट एज एन एम्पलीफायर वी हैव टू कंट्रोल द गेन ऑफ द एम्पलीफायर. इसका मतलब है कि सारी की सारी गेम आ गई है जी हमारे पास गेन पे, और गेन क्या होता था, गेन हमारे पास होता था जी आउटपुट बाय इनपुट. इट मीन्स कि हमें अब इस गेन को कंट्रोल करना है. तो गेन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आउटपुट और इनपुट को कंट्रोल करके. तो वो कहते हैं कि To use it as an amplifier, we have to control the gain of the amplifier. हमें इसके गेन को कंट्रोल करना पड़ेगा. आप गेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमने अभी तक जो सिंपल सर्किट पढ़ा था वो तो बड़ा सिंपल सा था, उसमें हमने कोई फीडबैक और रजिस्टर यूज नहीं किया था. कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम गेन को कंट्रोल करेंगे बाय यूजिंग फीडबैक. फीडबैक क्या होता है, आउटपुट से हम इनपुट की तरफ जो है वो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, उसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस कहेंगे. अभी जो फीडबैक है ये हमारे किस काम आएगा, ये जो फीडबैक हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं ये बेसिकली इस लीनियर रेंज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब फीडबैक कितनी तरह का हो सकता है, फीडबैक हमारे पास दो तरह का हो सकता है. अब ये देखें हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हमने इन्वर्टिंग कहा था, ये पॉजिटिव है जिसको हमने नॉन इन्वर्टिंग कहा था. अब अगर आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, R2 को हम फीडबैक रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर आप यहां पे ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इसको आप कह लें फीडबैक रेजिस्टेंस,
अगर आप यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो आपकी जो फीडबैक जो है वो आपका इफ कनेक्टेड विद इन्वर्टिंग, तो आपके पास नेगेटिव फीडबैक होगा। अगर आप इस रेजिस्टेंस को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा। तो ये हमारे पास फीडबैक का कॉन्सेप्ट था। अब आपको जो सर्किट स्टार्ट होते हैं, वो सर्किट स्टार्ट होने से पहले हम एक और चीज देखते हैं, सपोज कर लेते हैं मेरे पास जो मैंने यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया उसकी वैल्यू है जी 10 वोल्ट, उसकी वैल्यू जो सैचुरेशन वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है। और जो नेगेटिव सिग्नल है उसकी वैल्यू है -10 वोल्ट, उसकी वैल्यू है -10 वोल्ट, यानी कि मेरी जो रेंज बन रही है +10 से -10 बन रहा है। अब इसके दरमियान ये जो लीनियर रीजन आ रहा है इसमें मैंने इसको ऑपरेट करवाना है। अब होगा क्या, मुझे पता है कि ओपन लूप गेन जो है वो इतना है। अगर ओपन लूप गेन इतना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं वी आउट निकाल देता हूँ। तो वी आउट किसके इक्वल होगा, गेन मल्टीप्लाई बाय वीडी। वीडी क्या है, वीडी डिफरेंशियल वोल्टेज है। हमने पढ़ा था कि जो आउटपुट आती है हमारे पास एम्पलीफायर पे वो कहाँ से आती है, वो बेसिकली इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसके इक्वल होती है। जो आउटपुट आती है हमारे पास, जितना इनका डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी आउटपुट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने जो वीडी लिखा है बेसिकली वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें आप, वी नॉट हमारे पास 10 है और ए जो है वो हमारे पास 10^5 है। अगर आप वी डी निकालना चाहें, जो डिफरेंशियल वोल्टेज निकालना चाहें, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी वी डी इज इक्वल टू 1 माइक्रो वोल्ट। इट मीन्स कि हमारे पास जैसे ही इनका जो डिफरेंस है, इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो डिफरेंस है वो 1 माइक्रो वोल्ट होगा, और आपका फौरन से ही जो एम्पलीफायर है सैचुरेशन में चला जाएगा। सैचुरेशन मतलब ये है कि अभी आपकी जितनी आपने बैटरी या वोल्टेज अप्लाई किए हुए थे आप उस मैक्सिमम रेंज तक पहुंच गए हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने जो है वो ये फीडबैक रेजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब हम आते हैं अपने सर्किट की तरफ। इस सर्किट में अगर आप देखें तो ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अभी सर्किट में आप देखें तो हमने इन्वर्टिंग यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई किया, तो इस वजह से हमने उसको कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो हमने इनपुट दी हुई है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे दी हुई है, और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड रखा हुआ है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। अब अगर आप देखें तो हमने आउटपुट से एक कनेक्शन लिया, आउटपुट से हमने एक रेजिस्टेंस अटैच की और उस रेजिस्टेंस को मैंने इनपुट पे वापस ला दिया। अब ये जो इस रेजिस्टेंस R2 को हम फीडबैक रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद हमारा यहाँ पे ये है कि हम अपना गेन जो है वो इन्हांस करना चाहते हैं, हम अपना गेन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। अब गेन बढ़ाने के लिए हमारे पास ये सर्किट आ गया। अब ये किसका सर्किट बना है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट बना है। अब यहाँ से आप जो है वो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल सा है। आई होप कि ये वाली बातें आपको समझ आ चुकी होंगी, ये वाली सारी बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या आपने याद नहीं करनी, आपका जो सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, उस डेरिवेशन को अभी तक हम लोगों ने फीडबैक रजिस्टर के बारे में देखा, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं कि हमारा जो गेन होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में वो कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेरा नोड है, और इस नोड को मैंने ए कह दिया। नोड हमने पढ़ा था KCL में कि करंट जो किसी नोड में एंटर होती है उसको हम पॉजिटिव लेते थे, और जो करंट किसी नोड से लीव करती थी उसको हम नेगेटिव लेते थे। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। ये हमने KCL में पढ़ा था। इसका मतलब है कि इस नोड के अंदर I1 वाली करंट एंटर हो रही है और इस नोड से I2 वाली करंट जो है वो लीव कर रही है। तो यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो मैंने यही लिखा कि मैंने नोड A पे KCL अप्लाई किया, और KCL क्या कहते हैं कि करंट एंटरिंग द नोड शुड बी इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड। अब मुझे जो करंट I1 एंटर हो रही है वो निकालनी है। अब करंट I1 निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि I1 करंट जो फ्लो कर रही है वो R1 में से फ्लो कर रही है, और R1 में से जो करंट फ्लो कर रही है उनके दरमियान का पोटेंशियल कितना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे वी इन है, और यहाँ पे जो देखें तो वो वी नेगेटिव है। तो हमने यहाँ पे वी इन करंट निकाली जो कि R1 में से फ्लो कर रही थी, वो वी इन माइनस वी नेगेटिव अपॉन R1 आ गई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जी वी नेगेटिव जो है वो जीरो है,
अब ये क्या है, ये V नेगेटिव जीरो कैसे हो गया, ये समझने के लिए हमें एक वर्चुअल ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये देखें आप, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग को मैंने ग्राउंड किया हुआ, यानी कि यहाँ पे जीरो वोल्टेज है। अब वर्चुअल ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि हमने इस पॉजिटिव वाले को इस नेगेटिव वाले के साथ जोड़ दिया हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट किया होगा, शॉर्ट सर्किट किया हुआ। यहाँ पे यही बात लिखी है कि वर्चुअल मीन्स शॉर्ट सर्किटेड, नॉट एक्चुअली, असल में हमने शॉर्ट सर्किट नहीं किया होता, लेकिन वर्चुअली कनेक्ट की, वर्चुअली शॉर्ट सर्किट किया होता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस नेगेटिव टर्मिनल पे भी होगा। अगर आप देखें, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो यही वोल्टेज यहाँ पे भी तो अपेयर हो रहा है ना नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इसी, अगर वी पॉजिटिव जीरो है तो वी नेगेटिव भी क्या होगा, वी नेगेटिव भी जीरो होगा, और इसी को हम वर्चुअल ग्राउंडिंग कहते हैं। कहते हैं कि वर्चुअल मीन्स शॉर्ट सर्किटेड, कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ जुड़ गया हुआ है और इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लेकिन असल में नहीं जुड़ा हुआ, ये वर्चुअली जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि अब क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो व्हाट एवर वोल्टेज अपीयर्स, जो भी वोल्टेज अपीयर होंगे एक एंड पे, एक टर्मिनल पे, सेम वोल्टेज विल अपीयर एट अदर एंड। जो वोल्टेज यहां पे अपीयर होंगे वही सेम टू सेम दूसरे एंड पे भी, दूसरे टर्मिनल पे भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखें, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो इसकी आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज वो 10 है और इसका ओपन लूप गेन हमने पढ़ा था 10 to the power 5 था, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि मेरे पास जो डिफरेंस आ रही है कितना आ रहा है, इसको हम डिफरेंशियल वोल्टेज भी कहते हैं, जो कि इन वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव का डिफरेंस इक्वल होगा, तो वो निकालते हैं। देखें तो वी आउट इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल वोल्टेज, यानी कि इनके दरमियान का वोल्टेज। तो वी नॉट हमें 10 दिया और ए हमें ये दिया हुआ, तो वी डी अगर हम निकालें तो 1 microvolt आता है, और 1 microvolt जो है बहुत छोटी सी वैल्यू है, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम निग्लेक्ट कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि वी डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। अगर वी डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है तो वी डी किसके इक्वल होता है, वी डी तो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब है कि वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव जीरो के इक्वल आ गया। अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव अगर जीरो के इक्वल है तो वी पॉजिटिव बराबर है किसके, वी नेगेटिव के। यानी कि जो वोल्टेज वी पॉजिटिव पे होगा वही वोल्टेज वी नेगेटिव पे भी होगा, और यहाँ पे दोनों के दरमियान वोल्टेज फिर क्या होगा, जीरो वोल्ट होगा। तो इसी को तो हम वर्चुअल ग्राउंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ये वाली जो रीजन यूज की है, ये वाला जो लॉजिक यूज की है, ये बेसिकली वर्चुअल ग्राउंडिंग से ही यूज की है। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा जाता है कि वर्चुअल ग्राउंडिंग है क्या है। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो ऑपरेट करे सैचुरेशन से नीचे, यानी कि लीनियर रीजन में। मतलब क्या है कि अगर इसके वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट है तो हम चाहते हैं कि 10 वोल्ट से नीचे ऑपरेट करे, 10 वोल्ट पे ना जाए। ठीक है, अब आई वन हमें निकाला, वी वन वी नेगेटिव की वैल्यू जीरो पुट की तो हमारे पास से आ गया। अब इसी तरह जो करंट आर टू से गुजर रही है या इस नोड ए से लीव कर रही है, वो करंट है I2। I2 निकालने के लिए अब हम अगेन यहाँ पे वोल्टेज है V नेगेटिव और यहाँ पे वोल्टेज है V आउट, तो दरमियान में रेजिस्टेंस आ गई R2। तो यही मैंने लिखा V नेगेटिव माइनस V नॉट अपॉन R2। V नेगेटिव भी हमने कहा था कि जीरो है, वर्चुअल ग्राउंडिंग वाला प्रिंसिपल यूज किया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस वी नॉट बाई आर टू आ गया। हम इंटरेस्टेड हैं गेन निकालने में, हम चाहते हैं कि जानना चाह रहे हैं कि इसका गेन कितना होगा। तो गेन निकालने के लिए गेन केसीएल की वही जो हमने इक्वेशन लिखी थी, आई वन इज इक्वल टू आई टू, ये दोनों वैल्यूज इनको हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब मुझे गेन निकालना है, गेन किसके इक्वल होता है, आउटपुट बाय इनपुट के। तो वी आउट ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो माइनस आर टू बाय आर नॉट के इक्वल आ गया। अब ये जो चीज है, ये V नॉट बाई V इन, इसको हम गेन ऑफ द एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये हमारे पास गेन आ गया। अब यहाँ पे ये R2 by R1 क्या है, R2 जो है वो हमारे पास ये फीडबैक रेजिस्टर है, R2 जो है ये फीडबैक रेजिस्टर है हमारे पास, और R1 जो है वो ये इनपुट पर जो रेजिस्टर लगा। और यहाँ पे एक और सवाल है, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड होगी, आउटपुट जो है वो उल्ट होगी जो आपने सिग्नल अप्लाई किया होगा। मतलब क्या है, अगर आपने इस तरह का सिग्नल अप्लाई किया है इनपुट पे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा होगा इन्वर्टिंग के केस में, और ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा भी था। अब
ये हमारे पास यहां तक हमारा हो गया। अब यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या जो गेन ऑफ द इनवर्टिंग एम्पलीफायर है वो इंटरनल सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो बात बच्चे जो है वो इसका आंसर यस कर देते हैं, हालांकि ये इंटरनल सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? इंटरनल सर्किट की रेजिस्टेंस हमारे पास ये बनती है, ये आर इन और यहां पे एक आर आउट बनती थी, ठीक है, ये तो यहां पे कहीं पे आ ही रहा, तो ये इंटरनल सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, R1 और R2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक यहां से एमसीक्यू बनता है। अब अगर हम देखें कि जी इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड सो फार, ठीक है। और तो इसका मतलब देखें, कहता है कि अगर मैं R2 की वैल्यू रखता हूँ 2 किलो ओम, R2 की वैल्यू 2 किलो ओम रखते हैं, R1 की वैल्यू रखते हैं 1 किलो ओम, इसकी वैल्यू 2 किलो ओम, इसकी वैल्यू रखते हैं 1 किलो ओम, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? अब हमारे पास आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2, देखें -2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैं 1 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करता हूं यहां पे इनपुट पे, तो मेरे पास जो आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा वो 2 वोल्ट का मिलेगा और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा उसमें। दिस इज व्हाट दिस एक्सप्रेशन इज टेलिंग दिस। तो ये था हमारे पास ट्रांजिस्टर कह रहा हूँ ऑपरेशन एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आज जो हमने सीखा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, KCL को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस क्या होती है, वर्चुअल ग्राउंडिंग क्या होती है, और जो गेन आता है वो गेन क्या बताते हैं हमें, और वो डिपेंड किस पे करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।